wanted to jump into this, right? So can you have a big round of applause for Mr. Vijay Khayali? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका अपना विजय। हाँ जी हाँ दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन विजय। और आज हम पहुंचे हैं होटल JW मैरियट एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। और आज का इवेंट है वो है एमी इवेंट्स का, जिनके साथ मैं पिछले एक साल से काम कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी कंपनी है और आज का इवेंट होप बहुत अच्छा जाएगा। एकदम होता है, थैंक यू इनके लिए, तालियां जोरदार। इन्होंने मेरी तारीफ की, आप सबकी नज़रों में उठाया, भगवान इनको उठाए नजरों में। मैडम ऐसी तारीफ कर रहे हैं आप, क्या बात है। सफेद आपने ये जैकेट पहन रखी है कि सफेद इस जैकेट पे लाल बिंदी लगाती हो, खुदा की कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। कि सफेद जैकेट पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, खुदा की कसम वो एम्बुलेंस नजर आती हो, और वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, मस्त मस्ती मस्ती हो तो एक बार तालियां जोरदार अपने आप के लिए, ताकि पता लगे। और पाजी की है, सत श्री अकाल पाजी, वेरी मच सत श्री अकाल। हां जी हां जी, की होया, मतलब किथे बिजी सी? कॉफी टू आओ। ओके थैंक यू। चलो वैसा कुछ होता रहता है, इनको भी कोई बिजी होंगे। अच्छा सर आप भी आए हैं, नारद जी के खानदान से, एक बार थालियां इनके लिए भैया। ये पत्रकार महोदय यहाँ पे बैठे होते हैं, अगर ये ना हो तो हमारी दाल रोटी कैसे चले गए। तो सारे पंजाब से ही है? लगता जी लगता। अच्छा अच्छा, हरियाणा से कितने लोग हैं यहाँ पे? और भाई बहुत है पंजाबी। चलो गुड है। बस चंडीगढ़ में दो ही चीजें हैं, हरियाणा पंजाब हिमाचल। और यहाँ यहाँ की खास बात यह है, यहाँ के बंदे कभी टेंशन लेते नहीं है। और खास बात है हरियाणा वालों की, हरियाणवी बंदा किसी बात की टेंशन लेता ही नहीं है। आप यकीन करेंगे, एक बंदा भागा भागा गया एक ताऊ के पास, बोला ताऊ आग लग गई, बोला भाई मन में क्या लेना, बोला ताऊ थारे घर पे लग गई, फिर तब मैं क्या लेना। हम किसी बात की टेंशन लेते नहीं है हरियाणा वाला, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं पे आपको मिलेगा हाजिर जॉब तो हरियाणा में, हर बात का उल्टा जवाब देते हैं। अब किसी को छेड़ के देख लो, अपने किसी सब्जी वाले पूछ के देख लो, भाई साहब ये केले कैसे लगाए, केले सीधे करके लगाए मेरे भाई, वो भाव नहीं बताएगा। एक को मैंने छेड़ी, मैं भाई साहब केले कैसे लगाए, बोला पांच का एक, मैं भूख लगी है ले दस रुपए दो दे दे, बोला ना पांच का एक, मैं भाई समझदार बन, पांच का एक तो दस के दो नहीं हो गए, बोला अगर तू करना चाहना तो पांच पांच के दो ले ले, कि उसने अपनी बात ऊपर रखनी है, क्योंकि हरियाणा वाले उल्टा ही जवाब देंगे। आप किसी एक बंदा ना जिसने ढाबा किया, दूसरा भागा भगाया, भाई तो गर्मा गर्म के है, बोला तवा है, खावेगा ना लगावेगा। हाँ बात सच में, यकीन कीजिए आप ना, एक बस के अंदर एक बंदा बैठा, ताऊ बैठा, उसने बीड़ी पीनी शुरू कर दी, दिल्ली की बात है, यकीन सच्ची बात है, बीड़ी पीनी शुरू कर दी। तो एक कुछ बंदा था जैसे भाई साहब, बोला अंकल ये बीड़ी बंद कर दो, बोला क्यों भाई क्यों बंद कर दो, मेरी आपकी है, बोला अंकल ऊपर लिखा है धूम्रपान करना मना है, बोला अच्छा, बड़े ऊपर तो यूं भी लिखा है कोक पट्टी लगवाई, तो लगवा लीजिए ऊपर वाली की बात तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हरियाणा वाले, अच्छा हरियाणा की तो लेडी भी कम नहीं है, एक लेडी गोद में उसके बच्चा सड़क पे आ गई है, अब बस बस वाले को रोक रही है सड़क के ऊपर, अब बस बोले बेटा रुक जा, अरे बेटा डस जा, अरे थम भाई बस थाम थाम, बस रुकी ताई को उसने ड्राइवर ने, मतलब ताई चढ़ने की बारी ये नहीं है, ऊपर से आके वहां से आके चढ़, तो ताई बोली चढ़ना चुटना को नहीं, थोड़ी पोंख बजा सुन राजी हो जाएगा। छोरे के चक्कर में ताई ने पूरी पूरी बस जाम करवा दी। तो तालियां जोरदार हरियाणा के लिए। तो अब क्या आप टेंशन से क्यों लग रहे हैं, थोड़ा माहौल थोड़ा है इजी करो ना, आप बिल्कुल जैसे कोई बहुत तगड़ा लेक्चर होने वाला है, ये आप सबका इवेंट है, आपके लिए है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, इसका मतलब आ ये थोड़ा ना कि आप टेंशन में रहोगे, अरे लॉन्चिंग होती है, सब कुछ एंजॉय करो मस्ती करो, क्योंकि जिसके अंदर मस्ती है उसी की हस्ती है, जिसके अंदर मस्ती है बाकी उसी की हस्ती है, बाकी सब टेंशन है, क्योंकि आजकल का दो ही टेंशन का है, हर बंदा टेंशन में जी रहा है। अच्छा जी आप तो पाकिस्तान गए थे सर, कब आए? अभी आ रहे हैं। अरे वाह अभिनंदन। तो
टेंशन का दौर है, हर बंदा टेंशन में जी रहा है, जिसको देखो टेंशन में है, हर बंदा। कुछ लोग तो टेंशन में सांस लेके घूमते हैं। मैं भाभियों की बात नहीं कर रहा, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हर बंदा एक यही रखता साथ में, तो टेंशन छोड़ो, एंजॉय करो। कि जो हंसे उसका घर बसे, कि जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे जाके पूछो फिर कभी हंसे। नहीं नहीं सर, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल कॉलेज में एंजॉय किया। 2004 में चंडीगढ़ आया था, यहाँ पे मैंने बहुत शोज किए, एंजॉय किया। 20 जून 2018 को मेरा ब्याह हो गया। उसके बाद क्या सोच के एंजॉय छोड़ा, तो खुद तब सहंगुआ पड़ा हूँ। आप एंजॉय की बात करते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस है सर मेरा ब्याह के बाद। मुझे लगता था कि शादी के बाद सोचता था यार मुझे भी कोई डांटने वाली हो, मुझे भी टाइम पे कुछ ये मत पहनो, ऐसा कहने वाली हो, वहां मत जाओ ऐसा कहने, क्योंकि दोस्तों सुना था, टाइम पे उनको फोन करती थी यहाँ कहाँ हो। अब मुझे क्या पता वो सच में बात सीरियस ले लेगी। अब हर बात की मुझे बोलती है कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कौन साथ में हो, इतनी किच किच बाजी यार, पूछो ना। सुबह सुबह में किच किच बाजी शुरू होती है जब घर में पोछा लग गया है। अब मुझे लगता है जैसे घर में माइंस बिछा के लैंड माइन ऐसे निकल के जाना पड़ता है पोछे के टाइम, तो ऐसे करके ऐसे बंदा सोचता है क्या लग गया। अभी एक दिन की बात है, मैं घर में अपने रूम में बैठा, अखबार पढ़ रहा, संडे का टाइम दिन था, वो आई बोला पोछा मारना है साइड हो जाओ। मैं सड़क के भाई पीछे भागकर रूम में आ गया, फिर आ गई बोला पोछा मारना है साइड हो जाओ। मैं और सड़क के इस बार रूम में चला गया, आई बोला हाँ हो जाओ। मैंने जी आधे घंटे बाद अंबाला से फोन किया, मैं इतना सर को ठीक है और आगे निकल लूंगा।